हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कोर्स। तो गाइज, आज के इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे इवेंट इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो बेसिकली हम लोगों ने जो भी पार्ट पिछले वीडियो में सब कवर किए थे, आप लोग प्लीज़ उससे जाके, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उसे प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि अगर ये पार्ट को अगर आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे, ओके। तो उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ओके। तो प्लीज़ वो जो पार्ट है, पिछले जो पार्ट सारे रही है, आप उसे जाके उसे वीडियो को देखो और प्रैक्टिस जरूर कर देना, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग सीखेंगे इवेंट इन जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो बेसिकली जो इवेंट इन जावास्क्रिप्ट क्या होती है और कैसे वो काम करता है, वो सब चीज़ें कोडिंग के थ्रू हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ओके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। तो इवेंट इन जावास्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हम लोग क्लिक्स ले लेते हैं, डबल क्लिक्स, राइट क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, माउस ऑफ एंड माउस डाउन, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक से स्ट्रक्चर बनाई है और उसकी हेडिंग यहाँ पे हम लोगों ने ऐड करी है। तो अभी जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं, तो हेडर सेक्शन के अंदर हम लोग अभी ऐड करेंगे, ओके। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग स्क्रिप्ट, ओके, हम लोग फर्स्ट स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। तो स्क्रिप्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे पहले हम लोग फंक्शन ऐड करेंगे, ओके, फंक्शन। तो फंक्शन ऐड करने के बाद क्या फंक्शन हम लोग ऐड करेंगे, हेलो, ओके, उसके बाद ब्रैकेट, ओके। तो हेलो के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में कवर किए थे, जो पार्ट कर रहे थे, वही सेम पार्ट यहाँ पे अभी आ गया। ये देखो, ब्रेकेट स्टार्ट और डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, डॉट राइट, ब्रेकेट, डबल कोट, देन हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे वेलकम टू आवर वेबसाइट, ओके, मैंने सेव करा। अभी हम लोग और एक चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे, क्यों, उसको मतलब यहाँ पे रन करने के लिए, ओके। उसके लिए हम लोग यहाँ पे हेलो, ओके, ब्रेकेट स्टार्ट हम लोगों ने ऐड करा, अभी उसे सेव करता हूँ मैंने। और यहाँ पे उसकी आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो, उसका जो आउटपुट है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, वेलकम टू आवर वेबसाइट, जो कि हम लोगों ने हेलो के अंदर यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर यहाँ पे पेस्ट ऐड की है, ओके। तो इसे आप नोट कर सकते हो। और हम लोग अभी क्या करेंगे ना, हम हमारे जो बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ हम लोग ऐड करते जाएंगे। इतना तो आपको पता चल गया होगा आपको कैसे लिखना है, कैसे करना है, ओके। आप इसे मतलब बार बार रिपीटेडली जो कि प्रैक्टिस करोगी ना, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगी, ओके। अगर कोई भी उसके बाद प्रॉब्लम होती तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग हेड सेक्शन के बाद यहाँ पे हम लोग बॉडी के अंदर आएंगे। तो बॉडी के अंदर आने के बाद वही सेम चीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्रिप्ट से, स्क्रिप्ट, ओके। और उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे अभी क्या, ये बॉडी के बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं करते, अभी हम लोग एक हेडिंग ऐड करते हैं, ओके। तो H2, ओके, H2 हम लोग पहले ऐड करेंगे। तो H2 के अंदर हम लोग ऐड करेंगे क्या, हमारा जो टाइटल है, अगर हम ऐड करते हैं, ओके, इवेंट इन जावा, इवेंट इन जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने ऐड करा, ओके, यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाती है। और उसके बाद हम लोग अभी बटन ऐड करेंगे, ओके। तो बटन ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोग सिंपल ऐड करेंगे बटन, ओके। और बटन के अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे क्लिक हियर, ओके, हम लोगों ने बटन के अंदर ऐड करा क्लिक हियर। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने करी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आउटपुट हमारा जो आ रहा है ना,
उसके अंदर अगर आप देखना चाहो यहाँ पे एक बटन आ रही है क्लिक हियर, ओके, और उसके ऊपर क्लिक करोगे तो अभी आपको कुछ भी नहीं देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे और भी चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो प्रॉपर तरीके से वार करेगा। बट यहाँ पे अभी वो बटन की तरह काम कर रहा है, ओके। तो अभी और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे, बटन और यहाँ पे मैंने ऐड करा बटन, ओके, बटन, और इस बटन के अंदर हम लोग अभी ऐड करेंगे क्या, ये देखो मैं आपको जो दिखा रहा था अभी ये जो इमेज के अंदर, या आप कुछ डाउन मतलब इसे डाउनलोड कर लो, नहीं तो आप उसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नहीं आप नोटबुक में नोट भी कर सकते हो, ओके। अगर यहाँ पे हम लोग हवर, यहाँ पे हवर कहेंगे, माउस डाउन, माउस क्लिक प्रेस, अगर कोई भी चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे ले, ओके, मान लो यहाँ पे लेते हैं ऑल क्लिक, ओके, ये क्लिक को लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐड करूँगा क्या, ऑन क्लिक, ओके, ऑन क्लिक मैंने ऐड करा, और उसके अंदर हम लोग अभी लिखेंगे क्या, हेलो, ओके, मैं ऐड करा हेलो, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने हेडर सेक्शन पर ऐड करी है, ओके, हेलो, ओके। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे ना क्या, और वो जो बटन के अंदर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्लिक हियर, ओके, मैंने सेव करा। अभी यहाँ पे आउटपुट देखो, ये जो पहला वाला क्लिक हियर था ये हम लोग कर देते हैं लर्न, ओके, ये देखो, ओके, ये वर्क कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो अगर मैं उसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना लर्न मार के ऊपर, ये वेलकम टू आवर वेबसाइट लिख रहा है, ओके, यहाँ पे जो हम लोगों ने ऐड करा था हेलो को, ओके, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब ये बटन काम कर रहा है प्रॉपरली, ओके। तो और एक चीज़ यहाँ पे, और एक बटन हम लोग ऐड करेंगे, बटन यहाँ पे ऐड करा मैंने, और उसके अंदर हम लोग और एक चीज़ ऐड करेंगे ऑन माउस करके, ओके, हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे ऐड करी है ऑन माउस, बट ये जो ऑन माउस है यहाँ पे आप लोग को नहीं लिखना पड़ेगा, इसके अंदर आप लोग को ऐड करना पड़ेगा, ऑन माउस इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, मान लो कुछ भी ऐड करते हैं, मतलब यहाँ पे हेलो है, वही हेलो को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ओके, हेलो, हेलो मैंने ऐड करा, और ब्रैकेट, ओके, ये हो गया। और उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं अबाउट, ओके, मैंने सेव करा, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसके आउटपुट, ओके। तो इस तरह जो भी जितने भी चाहो आप, आपकी जो मतलब रिक्वायरमेंट के अनुसार आप जो भी चीज़ें ऐड करना चाहो यहाँ पे ऐड कर सकते हो वेरी इजीली। और एक चीज़ अगर आप लोग करना चाहो इस तरह से, तो हम लोगों ने अभी ऐड करी है, अगर आप बहुत सारे कंटेंट वगैरह अगर आप ऐड करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, कुछ कंटेंट यहाँ पे लेते हैं, अबाउट अस के अंदर मैं गया कॉपी, यहाँ पे पी टैग मैं यूज़ कर रहा हूँ, और पी टैग के अंदर इसे सेव करा मैंने, ओके। और एक यहाँ पे मैं ऐड करूँगा पी टैग ऐड करा, बहुत सारे हम लोग अभी कंटेंट ऐड करते हैं, ओके। और उसके बाद उसकी आउटपुट यहाँ पे देख सकते हो, जो कि रहा उसकी आउटपुट है, और ये बहुत सारे यहाँ पे, ओके। तो अभी हम लोग क्यों यहाँ पे इतनी जो कंटेंट वगैरह ऐड करी है, उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्क्रॉल के लिए,
ओके, ये स्क्रॉल के लिए यहाँ पे हम लोग इतने सारे कंटेंट ऐड करी है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटा के हम लोग अलर्ट यूज़ करते हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऐड करा था। ओके, हम लोगों ने अलर्ट ऐड करा और उसकी आउटपुट अभी आप देख सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मैंने वेलकम टू अवर वेबसाइट एक अलर्ट आ गया। ओके, तो जैसे ही ओके करा मैंने, यहाँ पे आपको कंटेंट वगैरह सभी की सभी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो देखो यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने आपको बताई हुई है इस वीडियो में, तो आप उसे अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, इससे प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने में आपको बहुत ज़्यादा और भी नॉलेज आपको आ जाएगी, तरह तरह की चीज़ें आप करने लगोगे। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो भी कवर करेंगे, आप लोग को कैसे मतलब डोमेन ख़रीदना है, वर्डप्रेस के बारे में कंप्लीट वीडियो आप लोग को मिलने वाला है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये सारी की सारी चीज़ आप पहले कंप्लीट कर लो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।